आज विधायक दल के नेता भजन लाल शर्मा बतौर राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कई अतिथियों के सामने राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 6 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 1 राज्य के डेप्यूटी सीएम और 9 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब लोकसभा में जीत की ताल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट पर खिलने वाला है कमल। पार्टी पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से तैयार। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए जल्द लोकसभा चुनाव होने के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों से कहा है कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता, आप लोग काम पर लग जाएं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पूछा, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष को कैसे पता चला कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता, सबकी मिली भगत है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 18 लाख पीएम आवास। 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल का बकाया बोनस। भोपाल में हुई एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, अभी तय नहीं हुआ नेता प्रतिपक्ष का नाम। हाईकमान का होगा अंतिम फैसला, आदिवासी चेहरे के नाम पर लग सकती है मुहर। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान से मिलते ही बिलक पड़ी महिलाएं। पूर्व सीएम भी आंखों से आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। शिवराज का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची थी महिलाएं। चलिए संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस थाने में किया सरेंडर। पुलिस ने गिरफ्तार करके स्पेशल सेल को सौंपा। घटना के दिन वीडियो बनाने के बाद मौके से भाग गया था ललित झा। संसद भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कल पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए थे पेश। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक जैसा जवाब दे रहे हैं चारों आरोपी। मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर सरकार का विरोध। गुरुग्राम में लिखी गई थी संसद भवन में स्मॉग कांड की पटकथा। विकी शर्मा के घर पर किराए के मकान पर रह रहे थे आरोपी। यहीं पर संसद में घुसने का बनाया था प्लान। कमरे का वीडियो आया है सामने। हरियाणा के जिंद में भी आरोपी नीलम के गांव से समर्थन उसको मिल रहा है। परिवार और दोस्तों की नजर में आरोपी नीलम बेकसूर है। गांव वालों ने आरोपी नीलम को भगत सिंह की उपाधि दी। संसद कांड की आरोपी नीलम के भाई ने सरकार पर आरोप भी लगाए। कहा सरकार नीलम को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है। नीलम दिल्ली में रहकर करती थी पढ़ाई। संसद कांड के आरोपी अमोल शिंदे के समर्थन में आए मुंबई हाईकोर्ट के वकील असीम सरोदे। कहा तरीका गलत अपनाया, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना आतंकवाद नहीं। लखनऊ का रहने वाला आरोपी सागर शर्मा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पोस्ट फेसबुक पर शेयर करता था। आरोपी सागर ने फेसबुक पर बना रखी है 2 ID। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा 301 सुरक्षा कर्मियों में से केवल 146 क्यों थे वहां पर मौजूद। अधिकारियों को निलंबित करके आंख में धूल डालने की कोशिश की जा रही है। और 9 सेकंड न्यूज में संसद सत्र से जुड़ी खबरों और सियासी घमासान की बात करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। संसद की सुरक्षा में चूक पर हंगामे के पूरे आसार। दोनों सदनों में चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं विपक्षी नेता। 14 सांसद पूरे सत्र से निलंबित। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का इन पर आरोप। विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर किया था हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, लोकसभा से कुल 13 सांसद निलंबित। वेल में मौजूद नहीं रहने वाले 1 सांसद का निलंबन वापस ले लिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद विपक्षी सांसद सदन में कर रहे थे प्रदर्शन। निलंबन के बावजूद सदन में मौजूद रहने के देरेखी के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। सभापति ने कहा निलंबन के बावजूद सदन में बने रहना जानबूझकर आदेश की अवहेलना है। पूरे सत्र के लिए टीएमसी सांसद को किया गया है सस्पेंड। टीएमसी सांसद के सस्पेंशन के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का आरोप, डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए किया गया है। डेरेक के सस्पेंशन पर टीएमसी नेता डोला सेन ने कहा गृहमंत्री आए नहीं, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ तो सवाल उठाना फर्ज है। सुरक्षा में चूक को लेकर राज्यसभा में अपनी बात कह रहे थे टीएमसी सांसद।
संसद में हुई सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने मांगा गृहमंत्री का इस्तीफा, कहा सदन में आकर जवाब दें गृहमंत्री अमित शाह। निलंबन पर बोली डीएमके एमपी कनिमोझी, जिस सांसद ने आने के लिए पास दिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, हमने विरोध किया तो निलंबन कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्स पर पोस्ट, लिखा सुरक्षा चूक पर बहस करने की मांग की तो सांसद निलंबित कर दिए गए, क्या केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने का आग्रह करना अपराध है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संसद कांड पर ट्वीट किया, लिखा लोकसभा में दो युवकों का विजिटर गैलरी से कूदना, संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़, ये घटना युवा मन की हताशा का परिणाम। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा बेरोजगार नौजवानों ने जो किया वो ठीक नहीं, लेकिन उसे बेरोजगारी और भूख की पीड़ा के दर्द से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार, कहा बेरोजगारी से इस घटना को ना जोड़े विपक्ष, क्योंकि बेरोजगारी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, अगर देश में ऐसे ही हालात रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे संसद भवन जाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकार की नाकामी छुपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड किया गया, आरोपी यदि किसी कांग्रेस सांसद के पास से घुसे होते तो यही सरकार देश में शोर मचा रही होती। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा विपक्ष के प्रदर्शन का तरीका ठीक नहीं था, सुरक्षा मामले को लेकर इतनी राजनीति क्यों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसकी जांच चल रही है। संसद की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट, आरोपी ललित झा का टीएमसी कनेक्शन होने का दावा किया, बीजेपी नेता ने विपक्षी गठबंधन पर भी उठाई सवाल। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी खबरों। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में भी अलर्ट, हरियाणा में आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानसभा भवन और आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विधानसभा का आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, दिल्ली में पानी संकट और सरकारी कामकाजों के गतिरोध पर चर्चा संभव, सदन में हंगामे के पूरे आसार। रांची में भी आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 7 दिनों का होगा शीतकालीन सत्र, 21 दिसंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही, सदन में उठ सकता है सांसद धीरज साहू पर आईटी रेड का मुद्दा। शीतकालीन सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की सर्वदलीय बैठक, कहा उम्मीद है कि सत्र सार्थक होगा, लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले को बताया गंभीर चिंता का विषय। धीरज साहू पर आईटी रेड मामले में बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य ने बीजेपी का पलटवार किया, कहा नवीन पटनायक की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सवाल उठाने वाले खुद को आईने में देखें। गोवा हवाई अड्डे पर तमिल महिला के अपमान का आरोप है, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का एक्स पर पोस्ट, हिंदी नहीं जानने पर महिला को नीचा दिखाने की कोशिश की। नागपुर में महाराष्ट्र कैबिनेट के फोटो सेशन में लगे जय श्री राम के नारे, फोटो सेशन में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम और तमाम विधायक शामिल थे, विधायकों ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में एक्शन में मोहन सरकार, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर पर गरजा बुलडोजर, फारूक राइन है बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर आरोप, विवाद के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रही है बीजेपी, समाज में नहीं होना चाहिए विवाद। 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ विश्व स्तर की सड़कें भी बनकर तैयार। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब से माफी मांगी है, कहा उनकी सरकार के दौरान सिख कौम से हुई थी बेअदबी का अफसोस है उन्हें। पटना में इन्वेस्टर समिट में कई एमओयू साइन किए गए हैं, उद्योगपति प्रणव अडानी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, नीतीश सरकार के कामों की सराहना भी की। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले काशी पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने जनता को दी योजनाओं की सौगात, सीतामढ़ी में माता जानकी का जन्मस्थल है।
पटना में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जारी किए निर्देश। शिक्षकों को विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में रखना होगा आवास। शिक्षकों के स्कूल में देरी से पहुंचने पर निर्देश जारी हुआ। अब कोर्ट केस की सुनवाई से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। मथुरा के विवादित परिसर का भी होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, इबादतगाह में इबादत से ना रोका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का बीएचपी नेता आलोक कुमार ने स्वागत किया, कहा मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य आएगा सामने। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। यूपी के सोनभद्र में दुद्धी से विधायक राम दुलारे गोंड पर रेप मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा, आज होगा सजा का ऐलान। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में अस्पतालों में पड़े शवों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार के आदेश दिए थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। शराब घोटाला केस में जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है महुआ मोइत्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाहीदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस मथुरा कोर्ट में सुने जाने की मांग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में लगेगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। 16 से 18 दिसंबर तक हनुमान कथा का आयोजन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी लेंगे हिस्सा। एमपी के दमोह में ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल प्रबंधन ने शख्स की मौत के बाद नहीं मुहैया करवाई एम्बुलेंस। परिजनों की मन्नतों के बाद भी नहीं माना अस्पताल प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में फर्जी शिक्षक कैंडिडेट का खुलासा हुआ। फर्जी बीपी एससी पास नियुक्त पत्र लेकर शिक्षक बनने पहुंची फर्जी कैंडिडेट पकड़ी गई है। डीईओ कार्यालय में ये खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शहर में खुलेआम मीट बिक्री के खिलाफ हुई मुनादी। खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। मुनादी के बाद मीट कारोबारियों में हड़कंप। भोपाल में बीजेपी विधायक का मीट दुकानों पर बयान, कहा मंदिर के आसपास अब नहीं लगेगी मीट की दुकानें। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, पहले होती थी सिर्फ कार्रवाई। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। बेकरी में मौजूद 15 लोग झुलसे, 5 लोगों की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे कई बड़े संत। जगतगुरु रामभद्राचार्य, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाकुंभ में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू हुआ। एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करा सकेंगे सिख समुदाय के लोग। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी रजिस्टर। यूपी के गाजीपुर में मौत के मुआवजे में कमीशन मांगने का आरोप है। सवालों में बिजली विभाग के कर्मचारी, ग्रामीण की मौत पर मिला था मुआवजा। मुंबई में प्याज के बाद अब लहसुन की भी कीमत आसमान छू रही है। लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। लोगों ने कहा जेब पर पड़ा भारी असर। तमिलनाडु के मदुरे में सरकारी स्कूल में गिरा पेड़ चपेट में आने से 16 बच्चे घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। तेलंगाना में गैस पाइपलाइन रिसाव से हादसा हुआ। रंगारेड्डी इलाके में लीकेज की वजह से आग लगी। चपेट में आने से 15 लोग झुलसे। और अब 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पंजाब के मनसा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। कुख्यात बदमाश परमजीत सिंह गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया। पुलिस ने कुख्यात नक्सली दुर्गेश का एनकाउंटर किया है। AK-47 और SLR भी बरामद की गई है।
हरियाणा के फरीदाबाद में नूह दंगे के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला हुआ। अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया। बजरंगी के भाई की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि की बहू ने फांसी लगाकर जान दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के रामपुर में शादी में हुए विवाद में हुई फायरिंग में महिला समेत तीन लोग घायल हुए। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के दौरान छात्र की स्कूल में मौत। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। FIR दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। पंजाब के संगरूर में पिता ने रची बेटी की हत्या की साजिश। 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर शव को पंखे से लटकाया गया। हत्या में पिता का भाई भी शामिल, दोनों गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की पिस्तल से चली गोली से महिला की जख्मी होकर मौत। SSP कलानिधि नेथानी ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। कहा, फरार दरोगा की तलाश तेज। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में ABP न्यूज की धूम। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जगविंदर पटियाल और सीधा सवाल के लिए संदीप चौधरी को अवार्ड मिला। ABP न्यूज को मिले 9 पुरस्कार।